ग्रीडी बहू मैजिकल बास्केट। विमला के गांव में ही छोटू दादा नाम का एक चोर रहता था। वो जिस घर में भी चोरियां करने जाता पकड़ा जाता। किसी का पर्स मारता तो लोग उसकी जम के पिटाई कर देते। इसी तरह एक बार बुरी तरह पिटने के बाद उसने शरीर पर पट्टियां बांधकर भगवान से बैठकर बातें कर रहा था। हे भगवान, मैंने क्या आपसे पूछा था कि मुझे चोर बनाए? चलो चोर बना दिया। लेकिन एक भी चोरी ठीक से नहीं करने देते हो। मैं किसी की जेब में हाथ डालूं, वो मेरा हाथ पकड़ लेता है। किसी के घर तिजोरी खोलूं, तो वे मेरी चमड़ी उधेड़ देते हैं। कम से कम एक चोरी मैं ढंग से कर पाऊं, ऐसा आशीर्वाद दो भगवान। जल्दी से जल्दी शादी करके एक बेटे को पैदा करके उसे भी एक अच्छा सा चोर बनाना है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था। दूसरी तरफ विमला अपने घर पे बैठकर टीवी देख रही थी। लाइफ बड़ी बोर मार रही है। सोना, खाना और फिर से सो जाना, बस यही काम रह गया है। अब कुछ दिनों के लिए कहीं ट्रिप पे चले जाएं तो कितना अच्छा होता। लेकिन मेरे ख्वाब कब सच होंगे, किसी को नहीं पता। वो सोच रही थी कि तभी प्रकाश ऑफिस से घर आया। क्या बात है, अपने आप से कुछ बड़बड़ा रही हो? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, रात को खाने में क्या बनाऊं यही सोच रही थी। पता नहीं, तुझ पर विश्वास करना मुश्किल है। आपको हमेशा मुझ पर शक रहता है जी। पर तुम काम भी तो वैसे ही करती हो। शादी से पहले तुम्हारे बापू ने जब कहा था कि तेरी जबान ही नहीं तो समझ आना चाहिए था मुझे कि तेरी जबान लंबी है लेकिन सिर में दिमाग नहीं। जो भी बोलना है मुझे बोलो, मेरे पिताजी को बीच में मत लाओ। तेरी शादी मुझसे करवा दी, क्या ये काफी नहीं है? वो सब ठीक है, ये मेरे लंच ले जाने वाला बास्केट टूट गया है, पास की गली में रिपेयर करने वाला है, ठीक करवा देना। फिर से यही पुराना वाला? अरे नया खरीद लो ना। चीजों की अहमियत तू क्या जाने। जब मेरी नई नई नौकरी लगी थी ना, मेरे बॉस ने मुझे गिफ्ट दिया था, मुझे वो बास्केट बहुत पसंद है, सुबह ले जाकर ठीक करवा के ले आना। विमला हाँ बोलकर घर के अंदर चली गई। सुबह प्रकाश ऑफिस चला गया। विमला उस बास्केट को ठीक करवाने घर से निकली, तभी उसने देखा कि सामने एक साड़ी बेचने वाला आदमी खड़ा था। साड़ी ले लो, साड़ी पट्टू नायलॉन कांजीवरम साड़ियाँ ले लो, वो चिल्लाते हुए बेच रहा था। उसके ठेले पे जाकर, अरे साड़ियाँ कितनी सुंदर है, ऐसा सोचकर वो उस ठेले के पास चली गई। उसने उस बास्केट को नीचे रखा और साड़ियाँ देखने लगी। उसी समय वहाँ एक लॉरी आई और वो उस बास्केट को कुचलते हुए वहां से निकल गई। बास्केट टुकड़े टुकड़े हो गई। अरे रे, अब ये बास्केट तो चकनाचूर हो गई है। उन्हें पता चल गया तो वो मुझे जिंदा जला देंगे। अब मैं क्या करूं? ऐसा सोचकर वो उन टुकड़ों को उठाकर अपने सास के घर पहुंची। अरे क्या हुआ, रोनी सूरत बना के क्यों आई है? तेरे हाथ में क्या है? सासू माँ, वो उसने पूरी बात अपनी सास को बताई। इतनी सी बात के लिए रोती है क्यों? मेरे पास एक बास्केट है, उसे तू ले जा। ऐसा कहकर वो अंदर जाकर एक बास्केट लेकर आई। अरे सासू माँ, उनको पुरानी जैसी बास्केट ही चाहिए, उनके बॉस ने उन्हें गिफ्ट दिया था उसे। ऐसी बात है तो उन सारे टुकड़ों को इस बास्केट में डाल दे। विमला ने उन सारे टुकड़ों को उस बास्केट में डाल दिया। देखते ही देखते वो सारे टुकड़े जुड़कर पुरानी बास्केट की तरह बन गए। ये देखकर विमला दंग रह गई। ये क्या सासू माँ, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ, और नहीं तो क्या,
वो मैजिकल बास्केट है। मैजिकल बास्केट मतलब ये क्या करती है सासू माँ? इसमें किसी भी चीज को रख कर भेजने का एड्रेस लिख दो तो वो अपने आप चली जाती है। ये बहुत बढ़िया है सासू माँ। ठीक है फिर मैं चलती हूँ। विमला अपने घर पहुँची। घर आकर लंच बॉक्स उस मैजिकल बास्केट में रखकर प्रकाश के ऑफिस का नंबर डेस्क नंबर लिखकर उसमें डाल देती है। वो बास्केट विमला के पास गायब होकर सीधे प्रकाश के डेस्क पर प्रत्यक्ष होती है। शाम को प्रकाश जब घर लौटा, तुम ऑफिस कब आई? दिखाई नहीं दी। कभी भी आई हो, पहले वो बास्केट मुझे दीजिए, कहकर उस बास्केट को ले जाकर अंदर चली गई। इस तरह वो प्रकाश के मनपसंद बास्केट को बनाकर रोज उसी में उसका लंच बॉक्स देती थी। प्रकाश के ऑफिस जाने के बाद उस मैजिकल बास्केट के सामने बैठकर, अब इस मैजिकल बास्केट का इस्तेमाल कैसे करूं? हाँ, इसे डिलीवरी बॉय के जैसा इस्तेमाल करूंगी। अभी ऑनलाइन में एक पेज क्रिएट करके बिजनेस शुरू करती हूँ। उसने पेज क्रिएट किया। उसके पेज क्रिएट करने के ठीक एक घंटे बाद छोटू दादा ने एड देखकर फोन किया। नमस्ते मैडम, मेरा नाम छोटू है। हाँ बोली। हाँ मैडम, हम नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। आधी रात को 1 बजे सुबह मुहूर्त है। मेरे घर के सोने को बास्केट में रखकर शिफ्ट करना है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक भेजना है एड्रेस साफ लिखकर भेजिए। छोटू एड्रेस बताता है। उस दिन छोटू चोरी के लिए गया। चोरी का सारा माल उस बास्केट में रखकर अपने घर पे मंगवा लिया। सुबह उठकर, आहा, इतने दिनों बाद मेरी चोरी सक्सेस हुई, कहकर उसने चोरी का माल अपने सामने रखा और उसे देखकर खुश हो रहा था कि तभी आंखें ऊपर उठाया तो देखा कि सामने पुलिस वाले खड़े हैं। ये देखकर वो दंग रह गया। मैं अब कैसे पकड़ा गया? तेरे चोरी के सामान में एक मोबाइल भी थी। सिग्नल ट्रेस करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। चलो पुलिस स्टेशन। पर ये चोरी भी बेकार हो गई। लेकिन तुमने ये सामान चोरी कैसे की? चल बताओ। तो उसने विमला के बास्केट के बारे में सारी बात बता दी। तब पुलिस विमला को अरेस्ट करने पहुंच गई। तभी विमला की सास वहां आकर बोली, ये सब उसने अनजाने में किया है भाई। उसने पुलिस को सारी बात बता दी। पूरी बात सुनकर पुलिस बोली, अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया तो अरेस्ट करना पड़ेगा। पुलिस विमला को धमका कर वहां से चला गया। उनके जाते ही, छी तुझे कब अकल आएगी, उसने अपने बहू को डांटा और उस मैजिकल बास्केट को लेकर वहां से चली गई। सास के जाते ही, आपने भले ही डांटा लेकिन मुझे उस पुलिस से बचा लिया, धन्यवाद सासू माँ। मैजिकल वॉशिंग मशीन। विमला घर पर बैठकर टीवी सीरियल देख रही थी। बाहर बादल गरज गरज कर बारिश हो रही थी। उस बारिश को देखकर विमला का पति प्रकाश बोला, बादल गरज रहे हैं, जरा उस टीवी को बंद कर देती तो अच्छा था। बाहर बादल गरज रहे हैं तो अंदर मैं टीवी क्यों बंद करूं? बढ़िया सीरियल चल रहा है, आप भी देखिए ना। उन बिजली के चमकने की वजह से टीवी खराब हो गया। अरे इसे क्या हुआ, क्यों बंद हो गया? मैंने कहा था ना टीवी बंद कर दे, अब देख। अरे रे, तो अब क्या सीरियल नहीं देख पाऊंगी? कुछ नहीं आएगा, जा अंदर जाकर उन कपड़ों को धो ले, कल मुझे कैंप पे जाना है। आप कहाँ चल दिए? तेरे लिए एक सौतन लेने जा रहा हूँ। इस वक्त कहाँ जाता हूँ रोज, ऑफिस नहीं जाओ क्या? तुम कपड़े धो दो, रुको जरा, उस वॉशिंग मशीन में मत धो देना, वो भी खराब हो जाएगा, तुम ही हाथ से धो देना। मैं
विमला सारे गंदे कपड़े लेकर बाथरूम के पास धोने के लिए पहुंची। सारे कपड़ों को भी होकर वो उन्हें धोने लगी। एक कपड़ा धोते ही राम मेरे हाथ दर्द हो रहे हैं। छी, इतने बारिश में कौन कपड़े धोता है भला? वॉशिंग मशीन है ना, उसी में डाल देती हूँ। जाकर वॉशिंग मशीन में कपड़े डालकर ऑन करती है। ऑन करते ही वॉशिंग मशीन से जोर का आवाज आया और वो बंद गया और वो रुक गया। मशीन भी खराब हो गई। अरे रे, लगता है ये भी खराब हो गई है। अब क्या करूं? मैंने उनकी बातों को अनसुना करके इसमें कपड़े डाल दिए। अगर उन्होंने आकर देख लिया तो मैं तो गई काम से। अब मैं क्या करूं? विमला बारिश में भीगते हुए सास के घर चली गई। क्या बात है, इतने बारिश में आ गई, क्या हुआ? वो सासू माँ, हमारा टीवी खराब हो गया, कहकर वो रोने लगी। अगर वो खराब हो गया तो इसमें तेरी क्या गलती, दूसरा खरीद लेंगे, चल रोना बंद कर। मैं उसके खराब होने पर नहीं रो रही सासू माँ। तो फिर आपके बेटे ने ऑफिस जाते जाते कपड़े हाथ से ही धोना, मशीन में मत डालना, वो भी खराब हो जाएगा, ऐसा कहकर गए थे। अच्छा, मैंने उनकी बात नहीं मानी और मशीन में कपड़े धोने के लिए डाल दिए सासू माँ। अब वो मशीन भी खराब हो गई। अब आपका बेटा वापस आएगा तो पता नहीं क्या करेगा, यही डर लगा हुआ है मुझे। मुर्गी डर के मारे घर से बाहर जाकर बाजार में अंडे देती हो। तू उससे डरती तो है लेकिन उसकी बात नहीं मानती। मुझसे गलती हो गई सासू माँ, आप ही कुछ कीजिए ना। वो कल सुबह कैंप जाने वाले हैं, सारे कपड़े गंदे पड़े हैं। ठीक है, चुप हो जाओ, मेरे पास एक वॉशिंग मशीन है, उसे ले जाकर धो देना। सास ने एक वॉशिंग मशीन दिया। वो देखने में बड़ा अजीब सा था। ये क्या सासू माँ, ये ऐसा क्यों है? ये वॉशिंग मशीन ही है ना? ये कोई साधारण वॉशिंग मशीन नहीं है, मैजिकल वॉशिंग मशीन है। क्या मैजिकल है? सारे वॉशिंग मशीन में गंदे कपड़ों को चमकदार बनाते हैं ना, ये ऐसा करने के अलावा फटे हुए कपड़ों को ठीक कर देता है। अगर पुराने कपड़ों को डालोगी तो अभी खरीदे हुए नए कपड़ों जैसे बन जाएंगे। सच में सासू माँ, मुझे दीजिए तो आपके बेटे के सारे कपड़े धो दूंगी। विमला वॉशिंग मशीन लेकर घर आ गई, प्रकाश के सारे कपड़े डालकर धो दिए। उसके बाद सासू माँ ने बोला था कि ये मैजिकल मशीन है, एक बार टेस्ट करती हूँ। उसने प्रकाश की एक शर्ट फाड़कर उस मशीन में डालकर ऑन करती है। तुरंत ऑफ करके उसमें डाले हुए शर्ट को बाहर निकालकर देखती है। विमला उसे देखकर दंग रह गई, फटी हुई शर्ट एकदम नई जैसी बन गई। अरे वाह, उस बुढ़िया ने सही कहा था, ये सचमुच जादू है। हाँ, अभी वो टीवी खराब हो गई है ना, इस मशीन में जो भी डालो नया बनकर बाहर निकलते हैं, ऐसा उस बुढ़िया ने कहा था। अब उस टीवी को इसमें डालो तो एक नया टीवी बाहर निकलेगा। अरे वाह, वो घर आकर कहेंगे कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा ही करती हूँ। विमला उस टीवी को लेकर वॉशिंग मशीन में डालकर ऑन करती है। बस और क्या, उस वॉशिंग मशीन से बहुत धुआं आने लगा, उस धुएं से पूरा घर भर गया। उस धुएं को देखकर बाहर लोगों ने फायर इंजन वालों को फोन कर दिया। फायर इंजन वाले आकर घर पर बहुत पानी मार देते हैं। उनके पानी के जोर की वजह से विमला के घर का पूरा छत उड़ जाता है। विमला एक कोने में बैठकर छी, ये क्या हो गया, नए टीवी के लालच में टीवी रखने के लिए घर ही खराब कर दिया मैंने। विमला घर पर बैठकर अपनी सहेली सरला से बातें कर रही थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ?
होना क्या था, पैसे नहीं थे इसलिए बर्तन धुलवाए। उसके साथ तो ऐसा ही होना था। वो सब छोड़, वो कविता कैसी है? उसके बारे में मत पूछना। अरे क्या हुआ? कुछ दिन पहले मैंने फोन किया कि कविता जरा मेरे फोन पे 100 रुपए रिचार्ज करवा दे, वो बड़ा पोज मार रही थी। बेचारी के पास शायद पैसे नहीं होंगे। 100 रुपए भी नहीं होंगे उसके पास? वो बात ठीक है। अरे रे, लगता है मेरे फोन का बैलेंस खत्म हो रहा है, जरा 50 रुपए का रिचार्ज करवा दे। रिचार्ज के पैसे कहाँ से लाऊं? तू 50 रुपए रिचार्ज नहीं करेगी, लेकिन तुझे 100 रुपए का रिचार्ज चाहिए। हाँ, तू अगर उसकी मदद करती तो शायद वो भी तेरी कर देती, लेकिन तेरी ऐसी आदतें कहाँ। हाँ हाँ, बस कर अब, बड़ी आई, जैसे तू दान धर्म करती रहती है हमेशा। चल फोन रख दे चुपचाप। उसने डांटते हुए फोन रख दिया। उसी समय विमला के पति प्रकाश हाथ में एक कवर लिए ऑफिस से लौटा। हाथ में क्या है जी? तुम बताओ। नई साड़ी है क्या? नहीं। क्या सोने का हार है? अरे रे, कवर में क्या सिर्फ साड़ी या हार ही होते हैं? मेरे ऑफिस में मुझे बेस्ट एम्प्लॉय का किताब मिला है। क्यों? क्योंकि मैं शेर की तरह काम करता हूँ, इसीलिए मुझे शेर की ट्रॉफी मिली है। क्यों? क्योंकि मैंने एक दिन भी ऑफिस से छुट्टी नहीं ली, इसलिए। ऑफिस से क्यों छुट्टी नहीं ली? अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि तेरी बनाई चाय पीकर स्ट्रांग बना। घर पे तेरी किचकिच से बचने के लिए मैं रोज ऑफिस भाग जाता हूँ। जाकर बाजार में ढिंडोरा पिटवाओ कि मेरी बीवी मुझे मारती पीटती रहती है। जरूर पिटवाऊंगा, पहले इस ट्रॉफी को अंदर संभाल के रख। कहकर उसने अपनी ट्रॉफी विमला को दी। विमला उसे ले जाकर टेबल के ऊपर रख दी, जहां सब उसे देख सकें। अगले दिन सुबह प्रकाश ऑफिस चला गया। विमला नहाकर छत के ऊपर जाकर तौलिए से अपना बाल सुखा रही थी। उसने तौलिए को वहीं पर सुखाने के लिए डाल दिया। इतने में रास्ते पर कहीं लड़ाई झगड़े चल रहे थे। अरे ये कैसा शोर है? इतने में जोर की हवा चली और विमला का तौलिया हवा में उड़ गया। अरे मेरा तौलिया, मेरे तौलिये को पकड़ो पकड़ो पकड़ो। वो नीचे उतरकर अपने तौलिये के पीछे भागने लगी। विमला को रास्ते में दौड़ता हुआ देखकर, अरे इस तरह रास्ते में क्यों भाग रही है, क्या हुआ? मेरा मनपसंद तौलिया था सासू माँ, हवा में उड़ गया। अरे जाने दे उसे, छोड़ना। उसे मैंने बड़े प्यार से खरीदा था सासू माँ, वो हवा में उड़ गया तो बड़ा दुख हो रहा है मुझे। छोटी छोटी बातों पे नहीं रोया करते, मेरे पास एक तौलिया है उसे देती हूँ, रोना छोड़। सास विमला को अंदर ले गई और एक तौलिया दी। ये क्या सासू माँ, इतना अच्छा है और चमक भी रहा है। और नहीं तो क्या, ये मैजिकल तौलिया है इसीलिए इतना चमक रहा है। अच्छा तो ये मैजिकल तौलिया है, तो फिर ये क्या करता है सासू माँ? किसी से मत कहना, ये जिस चीज पर डालो उसमें जान आ जाती है। क्या सचमुच सासू माँ? बहुत बढ़िया है, ठीक है फिर मैं चलती हूँ। बोलकर वो तौलिये के साथ अपने घर पहुंची। घर आकर सासू माँ ने कहा था कि मैजिकल तौलिया है, बुढ़िया बोल रही थी कि जिस चीज पर डालो तो उसमें जान आ जाती है। एक बार ट्राई करके देखती हूँ, किस पर डालूं? इस टीवी में भी जान डालती हूँ। ऐसा सोचकर उसने टीवी पर भी तौलिया डाला, उस टीवी में भी जान आ गई। हाय विमला, कौन सा सीरियल देखोगी?
अभी सीरियल देखने का कोई मन नहीं है, लेकिन मैं जो बोलूं वो तुम करोगे। अब तुम्हें रिमोट की कोई जरूरत नहीं, जो चैनल चाहो वो चैनल आएगा। अरे ये तो एकदम मस्त है। बाहर प्रकाश घर के अंदर आ रहा था। प्रकाश को देखकर, बाप रे वो आ गए, अभी ये सब देखेंगे तो मुझे खरी खोटी सुनाएंगे, जल्दी से इसे छुपाना होगा। ऐसा सोचकर उसने जल्दबाजी में टीवी पर तौलिया डालकर हटाया और तौलिये को दूर फेंक दिया। आज ऑफिस से जल्दी आ गए? वापस चला जाऊं? मेरा वो मतलब नहीं था जी। वो बोल रही थी कि कहीं से शेर के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। टीवी से इतनी आवाज क्यों आ रही है? अरे टीवी तो बंद है ना। फिर ये आवाज कहां से आ रही है? विमला ने तुरंत तौलिया की तरफ देखा। वो तौलिया प्रकाश को ऑफिस में मिले हुए ट्रॉफी के ऊपर था। ये देख विमला हक्की बक्की रह गई। इस बार शेर ने जोर से गुर्राया और उस तौलिये से निकलकर कूदा। शेर को देखकर विमला डर के मारे भाग खड़ी हुई। शेर विमला के पीछे पड़ गया। बचाओ बचाओ, वो चिल्लाते हुए भाग रही थी। शेर विमला के पीछे पीछे ही पड़ गया। इस तरह थोड़ी देर पीछा करके शेर फिर से ट्रॉफी बन गया। वो देखकर विमला ने चैन की सांस ली। बाप रे जान बच गई, ऐसा कहकर वो पीछे मुड़ी। वहां प्रकाश और उसकी सासू माँ खड़े थे। ये सब क्या हो रहा है? मुझे पता था कि तूने ही कुछ गड़बड़ की है, इसीलिए जाकर माँ को ले आया। माँ ने उस तौलिये को जला दिया है, उसी वजह से वो शेर फिर से ट्रॉफी में बदल गया, वरना आज तू उसके लिए बिरयानी बन जाती। अगर तूने ऐसा गड़बड़ फिर से किया तो। उसने विमला को जोर से डांटा और विमला डर के मारे कांपती रह गई। दादा टीवी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।